यागोला फाशी दिल्यानंतर अखेर आपल्याला न्याय मिळाल्याची भावना 1993 स्फोटातल्या पीडितांनी व्यक्त केली. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोलटकर यांनी. अक्यूज्ड के राइट्स मांगते हैं तो साथ साथ विक्टिम्स के सारा देश है और इस देश ने इसको अगर माफ करना है या क्षमा करनी है या मर्सी देनी है तो उत्तम जुडिशरी ही कर सकती है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकता. इसलिए ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा के लिए. इसीलिए जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है. कई सालों में तीन ही तो डेथ पेनल्टी गई, लेकिन क्या ऐसे जो व्यक्ति सारे देश को खत्म करने आया था उसके लिए भी कहना है कि तू जिंदा रहे, तू चाहे देश की जिंदगी लेने आया था तू जिंदा रहे, चाहे जेल के अंदर है. और ये भी क्या गारंटी है कि कल को आतंक आके उसी जेल पर रेड नहीं करेगा और उसको फिर ले जाएगा वापस, जैसे हुआ है कई बार, ऐसे हुआ है इस देश में भी हुआ और दूसरे देश में भी हुआ. सो साथियों समझना जरूरी है कि ये जो आतंकवाद है ये हर एक के खिलाफ है, हर हिंदुस्तानी के खिलाफ है, चाहे आपको डायरेक्टली हुआ है या नहीं. ये इनडायरेक्टली हुआ, किसी को डायरेक्टली हुआ, किसी की छोटी उम्र में उनकी माँ चली गई, उनका भाई चला गया, बहन चली गई, उनका परिवार उजड़ गया, उनकी सारी पूंजी उड़ गई. लेकिन किसी को डायरेक्टली हुआ, लेकिन सारे देश के खिलाफ हुआ. इसलिए इसके लिए इसके लिए जीवन दान मांगना मैं समझती हूँ मिसप्लेस्ड है. और दूसरी चीज मेरी रिक्वेस्ट मीडिया को भी यह है कि जैसे गुरदासपुर का एनकाउंटर आपने ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मीडिया में प्रोजेक्ट नहीं किया, इसी प्रकार अब सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने प्रधान हमारे प्रेसिडेंट ने फैसला दे दिया जिसको कहते हैं द कोर्ट्स हैव स्पोकन, द गवर्नमेंट हैज स्पोकन, द लॉ हैज स्पोकन. अब उसको जाने दीजिए, मुक्ति उसको मुक्त करिए, उसको जीने दीजिए, उसके परिवार को अपने समय पर रहने दीजिए. इसका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट अगले 48 घंटे अगर आप देते रहेंगे जब तक वो अपनी कब्र में नहीं चला जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा? क्या हम दो दिन पर 48 घंटे या पता नहीं तीन दिन पूरे दिन हम इसी में जुटे रहेंगे? मैं समझती हूँ क्षमा करें. जैसे आपने गुरदासपुर को मीडिया ने बख्शा था और सीखा था सबक बॉम्बे के राइट्स के बाद, इसी प्रकार इस पर भी अब उसको मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि कानून ने तो उसको मुक्ति दे दी. और टेररिस्ट तो मुक्ति लेने आता है, टेररिस्ट जीवन लेता भी और जीवन देने भी आता है, नहीं तो टेररिस्ट नहीं बनता. वो टेररिस्ट नहीं होता है जो अपनी जान बचाने के बाद दूसरों की जान लेने आता है. सी24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.